हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप अपने कामों में व्यस्त भी होंगे और अभी मैं एक होम रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बेसिकली ग्लोइंग के लिए और स्किन टाइटनिंग के लिए ना बहुत ही परफेक्ट ये होम रेमेडी है। और गाइस, ये ज़रूर से ट्राई करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको इसके रिजल्ट कैसे लगे। और ये बहुत ही छोटी सी रेमेडी है, अपने किचन में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए एक बहुत ही अलग सी और बहुत ही यूनिक सी होम रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस रेमेडी में जो जो जाएगा सबसे पहले वो जान लेते हैं और फिर आगे का जो प्रोसेस है उसके बाद वो जानेंगे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। ये जो है ये येलो हल्दी है, कस्तूरी हल्दी के नाम से भी आती है, और ये ऑनलाइन मिल जाएगी। आपकी लोकल मार्केट में मिल जाए तो आप वहाँ से ले सकते हो। अच्छा, ये है लाल दाल का पाउडर, जो मसूर की दाल होती है ना उसका पाउडर है ये। और ये है कॉफ़ी, जो नॉर्मल कॉफ़ी आप पीते हो ना, घर में रहती है वही कॉफ़ी आपने ले लेनी है। ये मुल्तानी मिट्टी का पाउडर है। ये नींबू है, नींबू की 3-4 बूंदे चाहिए इसमें। और ये है ओट्स, जो नॉर्मल दूध में बनते हैं ना ओट्स, वो ओट्स हैं, उनको पीस के और फाइन पाउडर इसका बना लिया है। और ये है लस्सी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये जाएंगी इसमें, और कांच के बॉल में हम इसको मिक्स करेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको मिक्सिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं और फिर इसको लगाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। ये ओट्स हैं, येलो हल्दी है, मसूर की दाल का पाउडर, कॉफ़ी पाउडर, और ये मुल्तानी मिट्टी। और अब इसमें इतनी लस्सी डाल लेंगे ताकि ये स्मूथ पेस्ट बन जाए। अब इसमें आपने डालना है 3-4 बूंदे नींबू के रस की। अब इसको मिक्स कर लेना है। देखो, अब ये ऐसी जो है रेमेडी बनके होगी है रेडी। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ये रेमेडी बनके तैयार होगी है। अब इस रेमेडी का जो फ़ायदा है वो मैं पहले बताती हूँ। लगाने से पहले जब स्किन में ना टैनिंग हो जाती है उस पे वर्क करेगी, प्लस स्किन ब्राइटनिंग का काम करेगी, प्लस जो है रिंकल्स की प्रॉब्लम है तो उस पे ये बहुत अच्छा वर्क करेगी। फोर्थ क्या है कि इसमें ना इतना अमेजिंग ग्लो आ जाएगा ना, आपका जो चेहरा है ना, यानी आप गर्दन पे इसे यूज़ करो, आप अपने फेस पे यूज़ करो, बहुत ही ज़्यादा एकदम शाइन मारेगा। जैसे आप 2,500-4,000 रुपये का फेशियल करवाते हैं ना, उससे भी बढ़िया ये रेमेडी बनके रेडी होगी है। और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो अब ये देखो, बस इसको बनाने के बाद है ना 1 मिनट के लिए ढक के रख देना, ताकि जो हमने ओट्स डाले हैं, दाल का पाउडर डाला है, वो फूल के और अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। और अपना फेस साफ करके अच्छे से और फिर इसको अप्लाई करना है। तो फेस वही है, आप कच्चे दूध से साफ कर सकते हो, आप दही से साफ कर सकते हो, आप सिंपल पानी में जो बेसन डाल के और उस थोड़ी जो है ना स्मूथ पेस्ट बना के उससे अपना फेस साफ कर सकते हो। तो इसको मैं फेस पे लगा लेती हूँ। लगाने का तरीका वही है जो मैं अपनी हर रेमेडी में बताती हूँ। अच्छा, इसको रखना कितना टाइम है? कम से कम आपने इसको 20 मिनट के लिए रखना है, और फिर लगा के जैसे आप आराम से रिलैक्स होके बैठ जाना, मूवमेंट नहीं करना, क्योंकि ये स्किन को टाइट करेगा। बेसिकली इसमें ओट्स भी हैं और दाल का आटा भी है और इसमें मुल्तानी मिट्टी भी है, तो ये जो है स्किन को टाइटनिंग करने का काम करेगी। और जितने एक्स्ट्रा ऑयल भी आ गया होगा ना, तो वो भी रिमूव करने का काम करेगी। ड्राई बिल्कुल भी नहीं करेगी, लेकिन एक्स्ट्रा ऑयल भी है, रेमेडी आपके फेस पे नहीं छोड़ेगी। तो चलिए इसको ना फेस पे लगा लेते हैं। तो मैंने अपने फेस को बिल्कुल क्लीन कर लिया है और अब इसको लगा लेते हैं।
मैं इसको पूरा लगा लेती हूँ और मैं फिर दिखाती हूँ आपको। अब ये पूरा मैंने फेस पे और पूरे गर्दन पे लगा लिया है। अब जो ये रेमेडी बच गई ना, आपने इसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, आपने हाथों पे अप्लाई करना। हाथों पे भी टैनिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, बल्कि जो मौसम अब चल रहा है ना उसमें तो टैनिंग बहुत ही ज्यादा हो जाती है, और जितना ओपन एरिया रहता है ना उसमें सब में टैनिंग हो जाती है। तो हाथ भी तो सुंदर चाहिए ना, तो ये फेंकने बिल्कुल भी नहीं है, अपने हाथों पे अप्लाई कर लेनी है। तो ये 20 मिनट के बाद मैं इसको सिंपल पानी से, जो है टैप वाटर होता है ना, उससे रिमूव कर दूंगी और फिर मैं आपसे मिलती हूँ और आगे क्या करना है वो आगे बताऊंगी। तो इसको मैं 20 मिनट रख लेती हूँ और फिर मैं इसको रिमूव करके फिर आती हूँ, फिर मैं आपके सामने होती हूँ रूबरू, आपसे मिलती। और ये है ना पूरा सूख गया है, और अब मैं इसको गीला करके हल्की सी मसाज करके और सिंपल टैप वाटर से धो लेती हूँ और मैं फिर मिलती हूँ आपसे। अब ये देखो, ये मैंने ना धो लिया है, बहुत मस्त ग्लो आया है इसका, आप ये ज़रूर से ट्राई करना। अभी मैंने कुछ लगाया नहीं है। तो ये होगी है एक होम रेमेडी, आप लोगों के साथ मैंने शेयर की, आपको कैसी लगी आप ज़रूर से बताना। और तो मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक क्या, चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में और किसी ऐसे ही बहुत ही अच्छी सी रेमेडी के साथ होंगी आप लोगों के सामने रूबरू। तब तक क्या करना, खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, सेफ रहना, चिल रहना, टेक केयर, बाय बाय।